और ये बात गीता में बताई गई है। गीता की एक बहुत महान बात है, इसका पालन करना ही पड़ेगा आपको। हरे कृष्णा दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अगेन ब्रह्मचर्य का पालन करने के बारे में, 8 खतरनाक चैलेंज के बारे में। बहुत इजी चैलेंज है, अगर इन 8 चैलेंजों को किसी इंसान ने कर दिया, आप में से किसी भी इंसान को अगर ब्रह्मचर्य करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, अगर आप इन 8 कामों को, बहुत आसान काम है, इन 8 कामों को अगर आपने कर दिया तो आप बहुत इजीली जितने दिनों तक आप चाहें उतने दिनों तक आप ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं और लाइफ को बहुत मज़े में जी सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बहुत सारे भाई लोग एक कमेंट करते हैं कि आज मेरे 30 दिन पूरे, आज मेरे 50 दिन पूरे ब्रह्मचर्य के, आज मेरे 90 दिन पूरे और मैं बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा अच्छा फील कर रहा हूँ। जो लोग इस तरह का कमेंट करते हैं उन सभी भाइयों को कॉन्ग्रेचुलेशंस, और उनसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इतने दिनों तक कर पा रहे हैं, कुछ लोग हैं जो लोग 1-2 दिन या फिर 5 दिन तक भी नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए अपने एक्सपीरियंस शेयर करें कि आप क्या क्या नियम का पालन कर रहे हैं, आप क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं जो कि आप बिना हस्तक्रिया करे ब्रह्मचर्य का पालन कर पा रहे हैं इतने दिनों तक। सो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। सबसे पहला चैलेंज है, जिसने ये चैलेंज कर लिया वो इंसान बहुत ईजीली महान तरीके से ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता है। और वो चैलेंज क्या कहता है कि हर रोज़ केवल और केवल अच्छा सोचना है मेरे भाई, अच्छा सोचना है, अच्छा देखना है और अच्छा बोलना है। आपकी सोच हमेशा केवल और केवल शुद्ध रहनी चाहिए। जो देखते हैं आप, बुरी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं देखनी है, इग्नोर मारना है उन चीज़ों को, और केवल अपनी लाइफ में अच्छा देखना है। और तीसरा, अच्छा बोलना है, अपने मुँह से किसी भी तरह की बुरी बातें, किसी भी तरह की अश्लील बातें बोलने से बचें दोस्त। जैसे ही कोई बुरी चीज़ दिखती है, जैसे ही कोई बुरी चीज़ आपके दिमाग में आती है और जैसे ही आपके मुंह से कोई भी चीज़ बुरी चीज़ आप बोलते हैं, तो आपको एक चीज़ अपने मुंह से चैंट करना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दोस्तों ये इतनी महान चैंट है दोस्त कि आपके दिमाग में जैसे ही बुरे ख्याल आते हैं, आपकी लाइफ में जैसे ही कोई भी चीज़ बुरी आप गलती से बोल देते हैं, तो जल्दी से बोल देना है कि हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, जो कि आपका दिमाग अगेन शुद्ध कर देगा दोस्तों। और ये आपकी आदत बन जाएगी और आप अगली बार से इस तरह की चीज़ें नहीं करेंगे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से मज़े से ब्रह्मचर्य कर पाएंगे दोस्त। दूसरा, अपने शरीर को बनाना ब्रह्मचर्य का बहुत बड़ा नियम है दोस्त, इसलिए हर रोज़ वर्कआउट, हर रोज़ एक्सरसाइज या फिर प्राणायाम करना ही करना है, मिनिमम 1 घंटा हर रोज़ अपनी बॉडी को टाइम देना ही पड़ता है दोस्तों। ब्रह्मचारी अगर आप हैं तो आपको ये टाइम देना ही पड़ेगा, क्योंकि ब्रह्मचारी के पास वो ताकत रहती है। अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं तो आपकी बॉडी में ऑटोमेटिकली एनर्जी आ जाती है, तो इन सेक्सुअल एनर्जी का यूज आपको अपनी बॉडी को बनाने में करना है दोस्त। इसलिए हर रोज़ 1 घंटा या 2 घंटा आप जितना चाहें, लेकिन वर्कआउट या फिर अपनी बॉडी को देना ही देना है दोस्त। तीसरा चैलेंज, रोज़ अच्छी किताबें पढ़ना है। सेल्फ हेल्प बुक्स आती हैं बहुत सारी, अच्छे अच्छे राइटर्स हैं, बहुत महान राइटर्स हैं, उन्होंने बहुत सारी बुकें लिखी हैं, तो उनको पढ़ना है, या फिर अगर आप स्कूल में हैं तो अपनी किताबें पढ़ना है ताकि आप अच्छे नंबर ला सकें। लेकिन अपना टाइम वेस्ट, आपके पास मोबाइल डेफिनेटली होगा तो उस मोबाइल का यूज इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, इनमें किसी भी तरह की वीडियो या फिर किसी भी तरह का टाइम पास करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बुक्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं देन डेफिनेटली आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंजेस आने वाले हैं, आप लाइफ में बहुत महान तरीके से ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं और आपका दिमाग जो बुरी तरफ जा रहा है, गंदी वासनाओं की तरफ जाता है, वो बिल्कुल भी नहीं जाएगा। और आप अच्छी चीज़ें जब आप पढ़ेंगे तो आपको लाइफ में कैसे जीना है वो आ जाता है, एक्चुअली आपको कैसे बिहेव करना है लोगों के सामने वो सब आपको पता लग जाता है दोस्त। इसलिए ऐसा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसको करना ज़रूरी है आपको। चौथा चैलेंज, कुछ भी गंदी अश्लील वीडियो को नहीं देखना, इससे आपका दिमाग कमज़ोर बनता है और आप ये सोचने लग जाते हैं आपकी लाइफ में कि जो ये सेक्स है वही लाइफ है, लेकिन एक्चुअल में ये सेक्स लाइफ नहीं है मेरे भाई, ये सच नहीं है। जो रियल लाइफ होती है वो है ब्रह्मचारी की लाइफ, जो कि असली में हमेशा खुश रहता है ब्रह्मचारी, ना कि जो गंदी वीडियोज़ देखता है, बुरी वीडियोज़ देखता है, उससे आपकी बॉडी में
उससे आपके दिमाग में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाती हैं। इसलिए इस तरह की वीडियोज़ अगर कहीं पे भी आपको दिखती हैं तो उनको देखना ही नहीं, उनको इग्नोर मारना है, बस ख़त्म बात। नंबर 5वां चैलेंज है कि दोस्ती कम करो और अपने में मस्त रहकर काम करना शुरू करो मेरे भाई। आपके कुछ दोस्त बोलेंगे कि मैं तो हर रोज़ हिलाता हूँ मेरे भाई, कुछ दोस्त कहेंगे कि बहुत ज़्यादा गंदी गंदी बातें करेंगे आपके सामने, और आपका दिमाग गंदी बातों को जल्दी ग्रहण करता है। इसलिए ऐसे दोस्तों से ज़्यादा दूर रहने की कोशिश करें, और सबसे पहले तो अपने आप में खुश रहना भी स्टार्ट करें मेरे भाई। अकेले में कुछ लोग होते हैं जो लोग कुछ काम कर रहे होंगे और काम करने से पहले ये बोलते हैं कि जब मेरा दोस्त आएगा तब मैं वो करूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक लड़का था, वो दौड़ने आया था सुबह सुबह और वो बहुत ज़्यादा मोटा सा था। मैंने उससे बोला चल दौड़ मेरे भाई, दौड़ना स्टार्ट कर, कहा मैंने उससे, तो वो बोलता है कि पहले मेरे दोस्तों को आन दो उसके बाद मैं दौड़ूंगा। बट मैंने कहा मेरे भाई अकेले रहना सीख और अकेले दौड़ना स्टार्ट कर, क्योंकि ये दोस्त कुछ काम नहीं आएंगे आपके। दोस्ती करना बुरी बात नहीं है, लेकिन दोस्ती पे इतना ज़्यादा डिपेंड नहीं रहना चाहिए कभी भी, क्योंकि जब आपके कॉलेज ख़त्म हो जाते हैं तब लास्ट में काम क्या आता है, आपकी मनी, आपका पैसा, आप क्या जॉब कर रहे हैं और आप कितने सक्सेसफुल हैं, यही देखा जाता है दोस्त। इसलिए इस बात को पहले ही समझ लो कि ये काम करना पड़ेगा हमको। नंबर 5, वीरनाश गलती से भी नहीं करना है दोस्त। ब्रह्मचर्य जो होता है वो हमारे शरीर में बल, हमारे बुद्धि को तेज करने के लिए होता है, और ये तभी पॉसिबल है जब आप वीर रक्षा करते हैं, बहुत दिल से ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और वीर की रक्षा करते हैं मेरे भाई। इसलिए गलती से भी वीरनाश करना नहीं है, इस तरफ ध्यान देना ही नहीं है दोस्त, कंट्रोल में रहना आपने हमेशा। इसलिए वीरनाश अगर आप करते हैं तो इसके लिए मैंने बहुत सारे नुकसान भी बताए हैं और इसको ना करने के बहुत सारे फ़ायदे भी बताए हैं। अगर आपने वो वीडियो देखी है देन बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं देखी है देन हमारे चैनल में जाके उन वीडियोज़ को डेफिनेटली देखें। नंबर 6, इस काम को आपको हर रोज़ करना है। अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पा रहे हैं दोस्त, देन आपको अपने आप पे प्राउड फील करना पड़ेगा कि एक दिन अगर आपने ब्रह्मचर्य का पालन किया तो आपको सुबह सुबह उठ के बोलना है कि दोस्त यस, मेरा एक दिन का ब्रह्मचर्य पूरा हो गया और मैं अपने आप पे बहुत ज़्यादा प्राउड हूँ। अपने आप पे प्राउड करना स्टार्ट करो जो भी आप ब्रह्मचर्य नहीं कर पा रहे हैं, और ब्रह्मचर्य करते हैं तो अपने आप पे प्राउड महसूस करना स्टार्ट करो कि यस। जब आप अपने आप पे प्राउड करते हैं और अपने आप को पॉजिटिवली देखते हैं देन आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली पॉजिटिव काम शुरू होने स्टार्ट हो जाते हैं दोस्त। अपने आप पे भरोसा रखो कि आप एक बहुत ज़्यादा महान इंसान हैं और आप महान इंसान बनोगे। आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे जो कि बहुत ज़्यादा डल रहते हैं, क्योंकि वो लोग वीरनाश करके हो जाते हैं बहुत ज़्यादा डल। और कुछ लोग देखे होंगे आपने, उनकी पर्सनैलिटी देख के ही पता लगता है कि ये इंसान कितना ज़्यादा एनर्जेटिक है, कितना ज़्यादा स्मार्ट है, कितना ज़्यादा तेज है इसके फेस में। और वो किस लिए है दोस्तों, वो केवल और केवल ब्रह्मचर्य का नतीजा है। खुद पर प्राउड रखो, खुद पर भरोसा रखो मेरे भाई, बस ख़त्म बात। नंबर 7, ये ब्रह्मचर्य का बहुत महान रूल है। अगर किसी इंसान ने इस रूल का पालन कर लिया, इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया, देन डेफिनेटली वो इंसान कभी ब्रह्मचर्य का नाश कर ही नहीं सकता है, वो वीरनाश कभी कर ही नहीं सकता। और ये बात गीता में बताई गई है, गीता की एक बहुत महान बात है, इसका पालन करना ही पड़ेगा आपको। वो ये कहती है कि हमेशा एक समान बुद्धि वाला मनुष्य बनो। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि एक समान बुद्धि वाला मनुष्य बनो। समान बुद्धि वाला मनुष्य कैसा होता है, वो ऐसा होता है कि मान लिया कभी बहुत ज़्यादा दुख आ जाए तो बहुत ज़्यादा दुखी नहीं हो जाना है, कभी बहुत ज़्यादा सुख आ जाए तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होना है, हमेशा एक समान रहना है। और अपनी वासनाओं को कंट्रोल में रखना है, आपकी बॉडी की वासनाएं, काम इच्छाएं बहुत ज़्यादा प्रबल होती हैं, इनको कंट्रोल में करना बहुत ज़्यादा टफ होता है। इसलिए जिस इंसान ने इन वासनाओं को, अपनी वासनाओं को कंट्रोल में कर दिया, अपनी इच्छाओं को कि भाई मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए, वो चाहिए, बहुत ज़्यादा टेंशनों में रहते हैं लोग। श्री कृष्ण ने इन सारे महान हमारे भगवान ने इन सब कामों को करने से मना किया है। उन्होंने कहा है कि बस एक समान बुद्धि वाला मनुष्य बनो। जो इंसान एक समान बुद्धि वाला मनुष्य होता है वो भगवान की प्राप्ति उसको बहुत जल्दी होती है। तो इन 8 कामों को आपको डेफिनेटली हर रोज़ करना है मेरे भाई। अगर आप कर सकते हैं देन डेफिनेटली नीचे लिखो कि चैलेंज एक्सेप्टेड, और मैं इन 8 कामों को डेफिनेटली करूँगा ही करूँगा।
इसके अलावा भी हमारे पास बहुत बड़ी लिस्ट है, अगर आप चाहते हैं और ज़्यादा मैं लेके आऊँ इस तरह के चैलेंज, देन डेफिनेटली कमेंट में लिखें कि और ज़्यादा लेके आएँ। और इस तरह की वीडियोज़ को और ज़्यादा देखने के लिए मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए वीडियोज़ बनाने में, देन डेफिनेटली आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और हम सब मिलकर ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले मेरे भाई। और इस वीडियो को लाइक एंड इस वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों के पास, सबके पास। नाउ एंजॉय करो मेरे भाई। हरे कृष्णा।